आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जान की परवाह किए ना ये बिना लोग यहाँ पानी की धाराओं में जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित और उन तक खाने पीने की सामान पहुँचाने के लिए ग्रामीण इस धारे में निकल रहे हैं। आपको बता दें बूढ़ी राप्ती जनपद सिद्धार्थनगर की बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी पूरी तरीके से उफान पे है। लगातार उनकी उनका जो भी नदी का पानी है कई बंधे टूट गए हैं। वहीं आपको बता दें जानकारी के मुताबिक बासी और इटवा मार्ग जो कि बंद कर दिया गया है, वहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कई रास्ते बंद कर दी गई है। और यह जो आप तस्वीर इस वीडियो में देख रहे हैं यह उदयपुर ग्राम सभा का तस्वीर है, जहां पर लोग धारा में किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालकर इस पानी में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तौहीद खान, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जनपद में पानी का कहर, बाढ़ का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील अंतर्गत इस वक्त मैं खड़ा हूं, उदयपुर चौराहा ग्राम सभा है ये, जहां पर कि बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहां पर ये पानी इसी तरीके से सीधे उत्तर की साइड आता जा रहा है और यहां उदयपुर गाँव को पूरी तरीके से पानी अपने आगोश में ले लिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार कोई जनप्रतिनिधि यहाँ इनका हाल चाल लेने नहीं आए हैं और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। लोग पानी में हलकर किसी तरीके से अपने जीवन जीने के लिए राशन पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, सुरक्षित व्यवस्था पर जा रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से धारा बह रही है, जो कि बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी का कहर लगातार जारी है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं, हर तरफ पानी पानी है। इस समय उत्तर साइड में पूरी तरीके से पानी ने अपने आगोश में लिया है। आप देख सकते हैं लोग इस कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये उदयपुर चौराहा का तस्वीर है जो कि मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर यहाँ अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। बासी क्षेत्र की बात कर ले तो वहाँ भी बाढ़ पूरी तरीके से चपेट में है, बाढ़ की चपेट में पूरा ग्राम सभा है। और नौगढ़ तहसील की बात करें तो ये उदयपुर चौराहा है जो कि बूढ़ी राप्ती नदी से सटे है, ग्राम सभा पड़ता है, यहाँ पर पूरी तरीके से पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं धारा किस तरीके से बह रही है।